एंजॉय कर। देखी गिर जाएगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन में और आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे अगर जो है वो आधा दिन तकरीबन गुजर चुका है और मेरा आधा दिन जो है वो सो के गुजरा है, क्योंकि रात जो है वो मेरी आधी जाके गुजरती है, फिर नाश्ता करके फिर उसके बाद जो है मैं सोता हूँ। वैसे आज भी बड़ा मज़े का नाश्ता था जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सका। उसमें था हमारे पास पराठा, उसके अंदर काफ़ी सारे मसाला जाते हैं, जिसको मिस्सी रोटी हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, उसके अलावा नमकीन रोटी कह सकते हैं उसको, नमक मिर्च वाली रोटी होती है। पराठा था बड़ा मज़े का और साथ में चाय थी, लेकिन ये कि काफ़ी मज़ा आया था और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता भी मैंने अच्छे से इंजॉय किया था। उसके बाद मैं सो गया और सो के अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे उठे हुए, और मैं बस लेज़ी हुआ हुआ था और लेटा हुआ था। आज मैं बाहर भी नहीं गया और वक्त तकरीबन 5 से ऊपर हो चुका है, और अभी जो वो हमारे पास आ चुका है चावल और साथ में दाल मसूर। बता दो दिया, अब दिखा भी देता हूँ आपको। ये है हमारे पास चावल और साथ में दाल मसूर। अगरचे जो है वो लाइट कम होने की वजह से सही से नहीं नज़र आ रहे, ये भी कुछ बेहतर नज़र आए हैं, लेकिन ये कि है काफ़ी मज़े के माशाल्लाह। खुशबू भी जो है वो आउट क्लास आ रही है। आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने जो मुझे कमेंट किया, जो कॉमन कमेंट मुझे लगा वो यही लगा कि आप जो है वो उन कमेंट्स को इग्नोर किया करें जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। बिल्कुल मैं उनको इग्नोर करता हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, क्योंकि लोगों की जो वो अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी राय होती है। कोई किसी वजह से जो है वो मतलब गलत कमेंट कर देता है कोई किसी वजह से, और कुछ जो है वो हमारे में भी यकीनन मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको जब नज़र आती है तो वो बता देते हैं। लेकिन ये कि मैं एक्चुअली मतलब कोशिश कर रहा था उनमें से कुछ ऐसी चीज़ मतलब कलेक्ट करने की कि जो मेरे में वाकई मिस्टेक थी, और वो भी मैंने कोशिश की कि मैं बेहतर करूँ। आप मुझे बताएँ कि वो वाकई चेंज आपको लग रहा है मतलब इस वीडियो और इससे पिछली वीडियो में, मतलब ये दो वीडियो एज़ कम्पेयर टू जो पिछले तकरीबन के 10-12 वीडियोज़ हैं उनमें जो आपको फ़र्क महसूस हो रहा है, मुझे वाकई जो है वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नहीं, तीन वीडियोस, लास्ट थ्री वीडियोस, क्योंकि ये जो तीसरी वीडियो होगी, लास्ट थ्री वीडियोस के अंदर और जो उससे पिछली वीडियोज़ हैं इनके अंदर आपको अगर फ़र्क महसूस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ ये ज़रूर मैंशन कीजिएगा। उसके अलावा जो था वो पहले खा लें, मैं फिर आपको बाद में नेक्स्ट बात बताता हूँ। सॉरी, हवा जो है वो रुकी हुई है और मौसम जो है काफ़ी हद तक बेटर है, और यहाँ पे जो है वो संगतें बैठी हुई हैं, यार दोस्त बैठे हुए हैं, सभी बच्चे 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 इनकी आपस में यार दोस्त हैं, वैसे मेरे लिए तो बच्चे ही सारे। और हवा अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, कभी कभी झोंका आता है हवा का। काफ़ी टाइम से जब हम बाहर आ गए हूँ और उस वक्त से जब बच्चों के साथ हम शेयर कर रहे थे बातें अपने टूर्स की और टूर्स की मेमोरीज और जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उस दौरान में वो शेयर कर रहे थे बच्चों के साथ। उसके अलावा जो है वो मैंने आप लोगों के साथ की बात शेयर करनी थी, मुझे इतना याद है क्योंकि बात शेयर करनी थी, लेकिन क्या बात थी वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। कुछ कमेंट के बारे में था, किसी कमेंट का मैंने मतलब बताना था कि कमेंट का जो वो मैं क्या मतलब क्या मैं उससे अचीव कर रहा हूँ या क्या रिस्पांस दे रहा था उसका। ईद के याम जो है वो तकरीबन शुरू हो चुके हैं, मतलब ईद जो वो बहुत करीब है, तो लोग जो वो जानवर वगैरह परचेजिंग स्टार्ट कर ली उन्होंने। हम मंडी तो नहीं विजिट कर सके, लेकिन ये कि हमारे करीब जो 2-3 जानवर आए हैं, अगर मैं आपको उनका पता चलूँ तो ये वाला जानवर जो है ये है तलहा भाई का, और इसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये जो है वो तकरीबन 50,000 का उन्हें मिला है, और इसका वज़न वगैरह क्या है ये कुछ आइडिया नहीं है, मुझे भी नहीं है और उन्हें भी नहीं पता, तलहा भाई को भी नहीं पता था, उनके वालिद साहब पे इनके अंकल मुश्ताक साहब को ज़रूर पता होगा। उसके अलावा जो है वो ये जानवर था, तो ये वाला जानवर जो ये 38,000 का मिला इन्हें, और ये वहाबलों का जानवर है, और इसका जो वेट था वो बता रहे थे कि 61.5 kg तक जो इसका वेट है। ये मतलब उसके मीट गोश्त का वेट नहीं है, ये इसका ओवरऑल वेट है 61.5, और इनको जो मिला वो 38,000 का मिला इनके काफ़ी ज़्यादा लेस करके, और काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि ये एक सूटेबल प्राइस थी इनकी, सस्ता इनको मिल गया हिसाब का। तो बाकी सस्ता हो महंगा हो, इंसान की जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए, और अल्लाह ताला जो है वो हमारी कुर्बानियाँ कबूल करे। माशाल्लाह मौसम जो है बहुत ही मज़े का हो गया, और काफ़ी सारे दोस्त जो इंजॉय करने आए हैं, और ये जानवर जो छोटे बच्चों ने पकड़ा हुआ है ये बकरा इन्होंने लिया है 38,000 का। माशाल्लाह चेक करें, हवा जो है बहुत मज़े की चल रही है, और झंडा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए झंडा। नहीं ये लड़ाई नहीं करते अच्छे बच्चे, नहीं करते आबिश को गुस्सा आ गया ना, आबिश ने बड़ा मार लिया।
क्या है वो आप सब जो गेम लेके आ गए और सारी गैदरिंग जो है वो आज भेजने के इर्द गिर्द ही है। ये तीन हमने पकड़ा आज जानवर माशाल्लाह जो है वो अभी घूम फिर के आ गए और अभी जो दिलेश ले खा रहे हैं अपना अंडा शंडा। और यहाँ पे जो है वो बारह टहनी शुरू हो गई है मैंने सोचा मैं जो अपनी जगह चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो इन्होंने एंजॉय कर देखी गिर जाएगा क्या। मेरे ख्याल अभी जब हम लोग करते हैं थोड़ी सी वॉक और इनको खेलने देते हैं इनकी गेम और उसके बाद देखते हैं कि हमें अंदर जाना है या अभी बाहर बैठना है। वैसे जो बाहर है मौसम मज़े का हो चुका है, हवा मज़े की चल रही है बाहर और हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी भी माशाल्लाह काफ़ी खुशगवार माहौल हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे यानी कि वो जो ग्रुप बैठा हुआ है हम यहाँ पे थे, जहाँ से चलते 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 यहाँ से होके तो हम लोग आ चुके हैं कॉर्नर पे गली के और बड़ा मज़े का जो है वो यहाँ से भी व्यू जो है वो नज़र आ रहा है और लाइट्स ऑन करके जो है वो गाड़ियाँ मूव करना शुरू हो गई हैं, इनकी भी अपनी खूबसूरती नज़र आती है। और उसके अलावा घरों की लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं। ये हमारे एक बचपन के दोस्त मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, ये बेचारे दुबई से आया था और इसकी जो है वो छुट्टी ज़रा ज़्यादा ही लंबी हो गई क्योंकि फ्लाइट्स जो है वो बंद हो गई हैं। अहमद क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर मेरे वॉकर को क्यों छेड़े हो आप हैं? खाना खाया आपने? क्या खाया? नहीं खाया। खाना नहीं मिला आपको? किधर? घर से खाना नहीं मिला आपको? जब बाबा नमाज पढ़ के तब खाना खा के बैठ रहूंगा मैं। अच्छा जब बाबा नमाज पढ़ के तब खाना है? सही तो पक्का क्या हुआ? क्या पक्का हुआ? भूल ही गया। भूल ही गया? आप तो भूल ही गया जब बाबा नमाज पढ़ के तब खाना है। नहीं खाना तो तब है लेकिन पक्का क्या हुआ ये भी नहीं पता आपको? मामा ने क्या पकाया था आज? क्या कुछ क्या तुम क्या बना? क्या अंडा? अंडा और साथ में रोटी। अंडा कौन से वाला? दूसरा अंडा। दूसरा अंडा? सही सही सही। बीमार वाला नहीं? अच्छा बीमार वाला नहीं, सही वाला अंडा। हाँ सही सही सही। इसके अंदर वही जिसके बाहर बैठ होता जिसके अंदर जेल होता वो वाला। अच्छा 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 वाला। मेरे पूछने की गर्ज ये थी कि मतलब आमलेट बना हुआ है, प्याज वाला बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है, मतलब किस तरह का अंडा बना हुआ है, लेकिन बच्चे की साथ की चेक करे वो कह रहे हैं कि सही वाला। किसमें? इसमें सुबह लगती है ना। अच्छा इसमें सुबह लगती है। हाँ जी इधर रात लगती है। हाँ कैमरे में इस बच्चे को सुबह लग रही है और बाहर जो है वो रात लग रही है। जी अहमद के बाबा जो है नमाज पढ़ के आ गए हैं और अभी वो जा रहे हैं खाना खाने के लिए और मेरा ख्याल है कि हम भी चलते हैं घर को। मौसम में गर्चे काफ़ी मज़े का, होप्स हो के कमरे में भी जो है वो खुशगवार हो गया होगा काफ़ी हद तक जो है वो टेम्परेचर। तो चलते हैं कमरे में और जाके फिर इंशाल्लाह हम भी खाना शाना करते हैं।